मुझे लगता है कि मैंने क्लासेस के बारे में तो सारी चीजें बता दी नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक सो राइट डी राइट डाउन द फर्स्ट स्टेटमेंट सब्सिडरी बुक सब्सिडरी बुक संतोष उपोष सब्सिडरी बुक इज वॉट द नेम ऑफ द टॉपिक इज सब्सिडरी बुक एंड वी विल स्टार्ट स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ठीक है ओके यर वी गो टॉकिंग अबाउट सब्सिडी बुक सो आई विल राइट डाउन वॉट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में राजा बेटा जी यू हैव गॉट दर सो फर्स्ट क्या होता है देर इज अर्नल ओके देन देर इज लेजर देन देर इज ट्रायल बैलेंस और फिर मेरे राजा बेटा जी आ जाता है आपके फाइनल अकाउंट और उस फाइनल अकाउंट में आपके क्या क्या आ जाते हैं बेटा जी तो फाइनल अकाउंट में आपके आ जाएंगे कैन आई नॉट से इट विल बी बैलेंस शीट एंड पी एंडल अकाउंट सो आई विल से इट विल हैव बैलेंस शीट एंड पी पीएंडल अकाउंट ठीक है अब जरा बेटा जी हम जो ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं दिस इज दुक कीपिंग पार्ट जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो बुक कीपिंग का पार्ट है सो बुक कीपिंग के पार्ट में जब भी हम एंट्रीज uh, करेंगे तो जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस तक हम बुक कीपिंग करते रहते हैं एक प्रोसेस है अकाउंटिंग की अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परचेस ऑफ गुड्स की एंट्री क्या है परचेस ऑफ गुड्स की एंट्री क्या है ऑन क्रेडिट मैं आपसे पूछना चाहता हूं परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम लेट मी टेक द नेम प्रेमचंद फ्रॉम प्रेमचंद तो मैं आपसे पूछता हूं परचेज गुड्स फ्रॉम प्रेमचंद की एंट्री आपको क्या लगती है क्या एंट्री होनी चाहिए परचेज गुड्स फ्रॉम प्रेमचंद मैं आपके एंट्री का इंतजार कर रहा हूं एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट देन विल गो हेड परचेज गुड्स फ्रॉम प्रेमचंद यस आपको इसके बैकअप लेक्चर मिल जाएंगे बेटा जी इसकी कोई चिंता नहीं है यू विल बी गेटिंग अ बैकअप लेक्चर गर्ग भाई बहुत बहुत धन्यवाद परचेसेस टू प्रेम ओके परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रेमचंद अकाउंट एब्सोल्युटली राइट सो so, व्हाट इज द एंट्री आई विल राइट डाउन परचेस गुड्स दैट इज परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रेमचंद अकाउंट बराबर है ये एंट्री हुई अब बेटा जी फील करो कि आपकी एक ही जर्नल बुक है और आपको एंट्री करनी है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रेमचंद अकाउंट आपको एंट्री करनी है सो परचेस गुड्स फ्रॉम प्रेमचंद या परचेस ग्रुप फ्रॉम चैताली परचेस ग्रुप फ्रॉम गुड्स फ्रॉम संस्कार परचेस गुड्स फ्रॉम आदर्श परचेस गुड्स क्लास मास्टर परचेस गुड्स फ्रॉम टेक्निकल एश या परचेस गुड्स फ्रॉम हर्षिल सिंगला बोलने का तात्पर्य है कि परचेज फ्रॉम आलिया परचेस फ्रॉम कतरीना परचेस फ्रॉम श्रद्धा परचेस फ्रॉम यू नो एनी एनी डायम पर्सन आपकी एंट्री क्या होती है इन ऑन क्रेडिट बेसिस परचेस टू प्रेमचंद अब बेटा बात ये हो रही है कि सेम टाइप की ट्रांजेक्शन अगर हम ऐसे लिखते जाएंगे मान लो आज सोलह फेबर है, है सत्रह फेब्रुवरी है इस तरीके से हम कंटिन्यू लिखते ही चले जाएंगे परचेस 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 टू 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 प्रेमचंद राज हर्षद स्वप्निल अंकिता पूजा मैम ऐसे अगर लिखते ही चले जाएंगे तो हमारा परचेस कॉन्स्टेंट रह रहा है बट बेटा जी जो व्यक्ति है उनका नाम चेंज हो रहा है तो क्या हम इसके लिए कोई शॉर्टकट बना सकते हैं क्या आंसर इज यस और उसी शॉर्टकट का हमने नाम दिया सब्सिडी बुक तो बेटा जी जर्नल के बाद में जो भी नाम बने मतलब जर्नल को जो हमने डिवाइड किया उसका नाम बना परचेस बुक फिर हमने बात बुक का नाम बताया परचेस रिटर्न बुक फिर मैंने बुक का नाम दिया सेल्स बुक फिर मेरी बुक का नाम बना सेल्स रिटर्न बुक और फिर हमारी नेक्स्ट बुक का नाम बना लेट्स टेक एन एग्जांपल कैश बुक और इट वुड बी जर्नल प्रॉपर और भी प्रकार की बुक हो सकती है जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिल्स रिसीवेबल बुक्स बुक हो सकती है बोलने का तात्पर्य है कि जो आपकी जर्नल है उसका सब डिवीजन हुआ जर्नल का क्या हो राजा बेटा जी सब डिवीजन हुआ सो व्हाई दिस सब डिवीजन हुआ व्हाई बिकॉज मेरे बच्चों इसलिए ट्रांजैक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इजीली राइट सो कैन आई नॉट से डिवीजन ऑफ वर्क डिजन ऑफ वर्क हुआ ऑफ द सिमिलर ट्रांजेक्शन हमने हमारे जो सिमिलर ट्रांजेक्शन है उसको साइड में निकालकर उसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड कर, कर अभी हमारा काम डिवाइड हो गया और उनकी बुक्स भी डिवाइड हो गई तो बेटा जी जर्नल में अगर हम लिखते हैं तो परचेस की एंट्री होती है परचेस टू तो प्रेमचंद परचेस रिटर्न की एंट्री होती प्रेमचंद टू तो परचेस रिटर्न सेल्स की एंट्री होती तो है बेटा जी प्रेमचंद टू सेल्स मतलब ये एंट्री हम अगर एक के नीचे एक के नीचे एक, एक इधर करते चले जाते तो बेटा जी वो हमें पता ही नहीं चलता कि परचेस कितना है सेल्स कितना है राइट हमें ये चीज क्लियर नहीं होती तो बेटा जी और बुक भी एक ही होती जर्नल तो इन बुक्स को डिवाइड करना जरूरी है तो डिविजन ऑफ वर्क हो गया बुक्स डिवाइड हो गई और ये हमारी बन गई सब्सिडरी बुक्स तो सब्सिडरी बुक्स की एक बात है इट रिकॉर्ड्स इट रिकॉर्ड्स सिमिलर ट्रांजेक्शन इट रिकॉर्ड्स सिमिलर ट्रांजैक्शन एंड डिवाइड्स एंड डिवाइड्स डिवाइड वर्क इससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है क्योंकि जो व्यक्ति अब परचेस की एंट्री कर रहा है वो परचेस बुक में सिर्फ परचेस की एंट्री करते चले जा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी बढ़ गई यस और नो सो माय डियर स्टूडेंट्स की इस केस में आपको समझना चाहिए कि सब्सिडी बुक का इजाद क्यों हुआ क्यों उसका इन्वेंशन हुआ क्योंकि बेटा जी हमें काम को डिवाइड करना था और इसके वजह से हमने ये अलग अलग बुक्स बनाई अब नाउ लेट्स गो हेट लेट्स गो हेट हाउ आई टॉक अबाउट परचेस बुक तो परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड होता है परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड होता है तो ध्यान से सुनना पहली चीज इट रिकॉर्ड इट रिकॉर्ड गुड्स इट रिकॉर्ड गुड्स ये पहली चीज समझना बहुत जरूरी है सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपका बिजनेस है राइट right, आपका बिजनेस है टू सेल लैपटॉप तो बेटा आपके गुड्स हुए लैपटॉप आपका बिजनेस है टू सेल फुटवेयर शूज तो आपके बिजनेस में राजा बेटा जी आपको मिल जाएंगे गुड्स एज फुटवेयर अगर आपका मोबाइल का शॉप है तो आपके लिए गुड्स होंगे मोबाइल्स अगर राजा बेटा जी आपके यहां पर फैंस एसी का बिजनेस है तो बेटा जी आपके लिए गुड्स हो गए फैन या एसी अगर आपका कार का बिजनेस है तो आपके लिए गुड्स गए कार तो जिसके अंदर आप ऑर्डिनरीली डील करते हो वो आपके बन जाते हैं गुड्स सो so बेटा जी जब हम परचेस की बात करें तो अब आपको क्या रिकॉर्ड करना है सिर्फ इसके अंदर गुड्स तो जब गुड्स बिजनेस टू बिजनेस इट विल डिफर गुड्स विल डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस बट रिमेंबर वन थिंग कि क्या बेटा जी अगर कोई व्यापार कर रहा है कोई व्यापार कर रहा है लैपटॉप का तो क्या उसके लिए स्टेशनरी गुड्स होगा क्या जल्दी से मुझे बताओ अगर कोई व्यक्ति कार का बिजनेस कर रहा है तो क्या उसके लिए स्टेशनरी गुड्स होंगे क्या अगर कोई व्यक्ति आपके पास जो क्लोदिंग है वो क्लोदिंग का बिजनेस कर रहा है व्यापार कर रहा है तो क्या उसके पास स्टेशनरी मतलब गुड्स होंगे क्या नहीं बट एक स्टेशनरी शॉप के लिए क्या स्टेशनरी गुड्स होंगे क्या द आंसर इज सो बॉयज एंड गर्ल्स व्हाट इज गुड्स विच यू डील ऑर्डिनरीली इन योर कॉमन बिजनेस सेकेंड यू कैन ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन यू कैन ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन

इज नॉट रिकॉर्डेड ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड नहीं लास्ट में वॉट इज द ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो व्यापार करते वक्त बिजनेस करते वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड आई विल एक्सप्लेन यू विद्प ऑफ अ प्रॉब्लम और विद्प ऑफ फ्यू थिंग्स सो आई एम रिकॉर्ड आई एम रिक्वेस्टिंग यूर ओके सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपको पहली बात समझ जाना चाहिए कि व्हाट डज इट डू सो इट रिकॉर्ड सिमिलर ट्रांजेक्शन एंड इट डिवाइड का बेनिफिट है और परचेस बुक की अगर मैं बात करूं तो इट रिकॉर्ड परचेस ऑफ गुड्स एंड विच ट्रांजेक्शन ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड वॉट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर इट सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पर यह एंट्री होती है अकाउंट्स में कोई भी एंट्री होगी सो यू रिक्वायर अ डॉक्यूमेंट फॉर इट सो इट इज कॉल्ड एज इनवर्ड इन इनवर्ड इनवॉइस मतलब जो इनवॉइस हमें मिलता है जब हम कोई चीज बाय करते हैं तब जो हमें इनवॉइस मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं इनवर्ड इनवॉइस सो इनवर्ड इनवॉइस के बेसिस पर इसके अंदर एंट्रीज होती है आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार नाउ बॉयज एंड गर्ल्स हमें यह चीज देखनी है कि परचेस बुक में ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है ओके सो लेट्स कम डाउन टू दिस पार्ट हियर वी गो फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट परचेस्ड गुड्स परचेस्ड गुड्स फ्रॉम फ्रॉम रामलाल वो लगाओ ना यूट्यूब परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल रुपीज फोर थाउजेंड ठीक है सेकेंड वन आई विल राइट डाउन परचेस्ड गुड्स फ्रॉम चंपा रुपीज वन थाउजेंड परचेस्ड गुड्स फ्रॉम फ्रॉम सौरभ सौरभ रुपीज नाइनटीन हंड्रेड परचेस्ड स्टेशनरी फ्रॉम स्टेशनरी फ्रॉम

purchase goods from rutuja rutuja for rupees 5000 and trade discount allowed 10% 10 trade discount allowed 10% by rutuja rutuja तो बेटा जी कितनी ट्रांजेक्शन आपकी परचेस बुक में आएगी तो परचेस बुक में पहली ट्रांजेक्शन आएगी यस दूसरी आएगी यस तीसरी आएगी यस चौथी वाली क्यों नहीं आएगी जल्दी से मुझे बताओ चौथी वाली ट्रांजेक्शन क्यों नहीं आएगी यस आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल वाई नॉट फोर वाई नॉट फाइव और सिक्स के केस में कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा तो फर्स्ट थ्री एंड सिक्स बट वाई आर यू सेट फोर्थ एंड फिफ्थ विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव मी द रीजन आई एम वेटिंग फॉर द रीजन So, बेटा जी अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा सो ट्रांजेक्शन नंबर फोर्थ में ऐसा लिखा हुआ है कि परचेस स्टेशनरी स्टेशनरी गुड्स नहीं होता स्टेशनरी गुड्स है ओनली फॉर स्टेशनरी शॉप तो अगर कोई व्यक्ति स्टेशनरी ये शब्द यूज कर रहा है तो बेटा जी आपको समझ जाना चाहिए कि ये गुड्स नहीं है बट स्टेशनरी शॉप के लिए ये गुड्स है तो आप मुझे पूछोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि उनका कौन सा बिजनेस है स्टेशनरी का एग्जामिनर तो अगर उनका यही बिजनेस होता स्टेशनरी का तो ऑटोमेटिकली उसके लिए शब्द यूज करते गुड्स फिर मेरे राजा बेटा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ट्रांजेक्शन नंबर फिफ्थ में यह ट्रांजेक्शन क्यों नहीं आएगी जरा सोच के बताओ मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर के लिए वाई विल नॉट द फिफ्थ ट्रांजेक्शन बिकॉज इट इज अ ट्रांजेक्शन फॉर कैश हमारी बात एकदम सिंपल थी कि आप कभी भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करोगे आप कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे और यहां पर होने चाहिए गुड्स इसके लिए इनवर्ड इनवॉइस की जरूरत होती है अब बेटा जी मैं आपको बताता हूं अगर इसकी एंट्री होती तो क्या होती परचेस टू रामलाल परचेस टू चंपा परचेस टू सौरभ या yes नो So, बेटा जी और इसकी एंट्री होगी परचेस टू रुतुजा तो ऐसे हरेक एंट्री करने की जगह पे क्या हम इसकी एक बुक बना सकते हैं क्या आंसर इस बिल्कुल यस क्यों नहीं बना सकते तो हम बनाएंगे एक परचेस बुक अब बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करो परचेस बुक पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है अगर आपको यह लग रहा है तो सॉरी फॉर वन मिनट डीप साइलेंस फॉर दो जिनको लग रहा है कि परचेस बुक एग्जाम में आएगी नहीं नहीं वो आपको इतना बच्चा नहीं समझते ये तो आपको सिर्फ प्रोसेस समझनी जरूरी है कि भाई कैसे आएगा और इसके बेसिस पर आपका पूरा का पूरा डिपेंडेंट होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर राइट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एर के लिए इसकी प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है तो हमने ले लिखना है डेट पार्टी नेम या पर्टिकुलरस लिख देता हूं और फिर आएगा इधर इन नंबर और इन नंबर के बाद में आएगा इधर अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स देन आई विल राइट डाउन इनवाइस नंबर एंड व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स इट वुड बी कॉल्ड एज अमाउंट अब बेटा डेट कॉलम में तो हम डेट लिख देंगे एग्रीड डेट कॉलम में हम डेट लिख देंगे सो लेट्स राइट डाउन ये एक फेब्रुवरी लिख के चलता हूं ठीक है ये दो फेब्रुवरी तीन फेब्रुवरी चार फेबर पांच और छह फेब्रुवरी सो आई राइट डाउन एक फेब्रुवरी दो इक्कीस हम यहां पर लिखेंगे रामलाल रामलाल लिख दिया राजा बेटा जी और मैं लिख दूंगा अमाउंट फोर थाउजेंड और कोई भी इनवॉइस नंबर होगा आई डोंट नो व्हाट इट इज डन देन माय डियर फ्रेंड्स आई विल आल्सो राइट डाउन सेकेंड फेब्रुवरी ट्वेंटी वन आई शैल राइट डाउन द नेम ऑफ चंपा और चंपा के खाते में मैं लिख दूंगा द अमाउंट इज वन थाउजेंड सिमिलरली आई विल राइट डाउन थर्ड फेब्रुवरी ट्वेंटी वन विल राइट डाउन हाउ मच सौरभ सौरभ और सौरभ के केस में मैं कितना लिख दूंगा वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड राजा बेटा जी जब सिक्स लेवल पर हम आएंगे तो सिक्स लेवल पर हम लिखेंगे सिक्स फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन हम लिख देंगे क्या ऋतुजा ऋतुजा और ऋतुजा के केस में मैं लिख दूंगा राजा बेटा जी अमाउंट कितना फाइव थाउजेंड 5000 सही रहेगा या और कोई अमाउंट सही रहेगी मैं वेट कर रहा हूं वेदर द अमाउंट शुड भी 5000 थाउजेंड और इट शुड भी समथिंग एल्स प्लीज लेट मी नो फाइव थाउजेंड सही है के अलावा कुछ है लिखना है क्या ये yes, बिल्कुल लिखना है बेटा जी आपको थोड़ा समय दे दूंगा मैं तो चिंता मत करो यू कैन राइट इट आफ्टर दैट ऑल्सो तो मुझे बताओ कि क्या करेंगे ऋतुजा के केस में आप कितना लिखोगे वेदर यूल राइट डाउन फाइव थाउजेंड और यू विल राइट डाउन समथिंग एल्स श्याम बता रहा है 4500 और ये बिल्कुल सही जवाब क्यों क्योंकि बेटा जी आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड सौदा व्यापार व्यवहार होते वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड तो इस केस में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा और अगर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा सो तो बेटा जी फाइव थाउजेंड अगर हम करेंगे तो फोर ठीक है अब बेटा जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अकाउंट सब्जेक्ट के तो मुझे बताओ कि क्या इसमें हमें किसी भी व्यक्ति का बैलेंस दिख रहा है कि रामलाल का कितना बैलेंस है क्या हमें यह पता चल रहा है कि, इसमें चंपा का बैलेंस कितना है UH हमें यह पता चल रहा है कि सौरभ का बैलेंस कितना है नहीं हमें यह चीज नहीं पता चल रही और अगर हमें यह चीज पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें उसकी लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा इधर तो डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आ रहा है तो अब मुझे वो डेटा को क्लासीफाई करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वॉट इन टर्म्स ऑफ लेजर लेजर अभी इसकी टोटल कितनी हो गई बेटा जी फोर फाइव सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड देख लो बराबर बराबर है है क्या क्या देख के मुझे बता दो ये डेबिट कॉलम नहीं है राजा बाबू संदीप कुमार ये डेबिट कॉलम नहीं है तो क्या नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड टोटल बराबर आ रही है क्या मुझे बता दो पहले तो इधर से तो बैलेंस नहीं पता चल रहा तो नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड ये बराबर आ रहा है क्या मुझे बताओ इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड आ रहा है एक चार पांच सात आठ नौ दस हाँ बराबर एक, है ग्यारह हजार चार सौ आ रहा है है ना लाइक ग्यारह चार सौ ही लिखा रहे कौन मुझे कंफ्यूज कर रहा है कितनी टोटल है वो लेवन फोर हंड्रेड टोटल लिखी है ओके डन यहां तक समझ में आया अब देखो यहां तक आपको आता होगा बेटा जी अब मैं थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी जाऊंगा और बाकी की चीजों में भी जाऊंगा तो जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं एवरी वन अटेंशन ईयर नाउ बेटा जी आपको कुछ चीजें आज समझ में आ जाना बिल्कुल जरूरी है कि क्या होता है बेटा जी जो रामलाल है ये रामलाल है इसका एंट्री आपने क्या बताया परचेस टू रामलाल एंट्री क्या बताया परचेस टू रामलाल ये बताई क्या नहीं बताई तो अगर मैं इधर अकाउंट बनाता हूं रामलाल अकाउंट तो रामलाल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मुझे लिखना है बाय परचेसेस रामलाल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में मुझे लिखना है बाय परचेसेस और यह अमाउंट होगी फोर थाउजेंड रामलाल के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय परचेसेस फोर थाउजेंड एग्रीड यह पोस्टिंग कैसे हुई बेटा जी इंडिविजुअल हुई चार हजार की इंडिविजुअल पोस्टिंग इधर आई डन देन डियर फ्रेंड्स ये पेन देना दूसरा

सौरभ सो एल राइट डाउन बाय परचेसेस द अमाउंट विल बी नाइनटीन हंड्रेड और मेरे राजा बेटा जी अगर मैं आपको बताऊं ऋतुजा सो so ऋतुजा के केस में मैं लिखूंगा बाय परचेसेस हाउ मच राजा बाबू जी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मैं क्या बोल रहा हूं रामलाल के क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेसेस चंपा के क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेसेस ठीक है रामलाल के क्रेडिट साइड में आएगा रामलाल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेसेस चंपा के क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेसेस तो समझने की बात यह है कि इंडिविजुअल पोस्टिंग इधर आती है इंडिविजुअल पोस्टिंग इंडिविजुअल अकाउंट में आती है यस और नो बट जब बेटा जी मैं इधर अकाउंट बनाऊंगा कौन सा परचेसेस अकाउंट परचेस अकाउंट जब मैं बनाता हूं परचेसेस so, अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू संड्री क्रेडिटर्स संड्री क्रेडिटर्स जब मैं लिखता हूं तो संड्री क्रेडिटर्स में कितना लिखूंगा लेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड आई विल राइट डाउन वॉट लेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड सो इधर यह जो पीरियडिक टोटल है पीरियॉडिक टोटल है पीरियडिक टोटल है वो कहां चली जाती है बेटा जी परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में यह प्रोसेस आपको समझ में आई है कि नहीं आई है बोलने का तात्पर्य क्या कि रामलाल के क्रेडिट में परचेसेस चंपा के क्रेडिट में सौरभ के क्रेडिट में ऋतुजा के क्रेडिट में यह जा रही है इंडिविजुअल अमाउंट बट बेटा जी परचेसेस अकाउंट में जो जा रहा है इट इज गोइंग द टोटल इट यू हैव टू पोस्ट इज पीरियॉडिक टोटल इज वॉट यू हैव टू पोस्ट यू हैव टू पोस्ट दी पीरियोडिक टोटल आई होप यू पीपल है अब मेरे राजा बेटा जी इसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन आएंगे सो बेटा जी जब चंपा में पोस्टिंग हो रही है रामलाल जी में पोस्टिंग हो रही है सौरभ में पोस्टिंग हो रही है तो बेटा जी आपको ये अपने आपको पूछना है कि क्या शब्द यूज करेंगे तो बेटा जी वो शब्द तब यूज करते डेबिटेड और क्रेडिटेड या पोस्टेड क्योंकि जब आप देख रहे हो लेजर अकाउंट में ये जो पोस्टिंग हो रही है इंडिविजुअल अकाउंट की ये सिर्फ चंपा में एरर हुआ है सौरभ में एरर हुआ है या रुतुजा में एरर हुआ मतलब अगर मैं यहां पर अमाउंट नाइन हंड्रेड की, की जगह पे वन नाइन जीरो लिख दू तो वो सिर्फ सौरभ अकाउंट में एरर होगा वो एरर परचेस अकाउंट में नहीं होगा क्यों एरर परचेस अकाउंट में नहीं होगा क्योंकि बेटा जी इधर नाइनटीन बराबर लिखा मैंने बट सौरभ में पोस्टिंग करते वक्त मैंने वन लिख दिया सो बेटा जी ये टोटल चेंज नहीं होने वाली और ये टोटल सेम रहेगी फोर हंड्रेड बच्चे समझ ही नहीं पाता है कि सर क्या बोल रहे हो यार कि वो सिर्फ सौरभ अकाउंट को क्यों इफेक्ट करेगा तो ध्यान रहे अगर आपको परचेस बुक की प्रोसेस समझ में आ रही है सब्सिडी बुक की प्रोसेस समझ में आ रही है तो इंडिविजुअल पोस्टिंग जाती है इंडिविजुअल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट को बट बेटा तो टोटल पीरियोडिक टोटल की पोस्टिंग जाती है परचेस अकाउंट में अगर कल कोई इस टोटल में गड़बड़ी हुई 11,400 थाउजेंड फोर हंड्रेड में कास्टिंग एरर हुआ कास्टिंग एरर मतलब टोटल में लेने में गड़बड़ी हुई सो बेटा जी आप मुझे बताइए 11,400 थाउजेंड फोर हंड्रेड की जगह पे टोटल हो गई 11,000 थाउजेंड तो आपको क्या लगता है 11,400 थाउजेंड फोर हंड्रेड की जगह पे इफ इट बिकम्स 11,000 तो आपको क्या लगता है कौन से अकाउंट में एरर आएगा मिशिका सिंगला अगर परचेस बुक बनाई है तो परचेस अकाउंट क्यों बनाना है बेटा परचेस बुक अलग चीज है और परचेस अकाउंट अलग चीज है देखो इसको समझने की ऐसे कोशिश करो परचेस अकाउंट में तुम्हें परचेस का बैलेंस पता चलेगा सारे परचेसेस बट बेटा जी परचेस बुक में आप सिर्फ क्रेडिट परचेसेस लिखते हो बट परचेस अकाउंट में आप सारी चीजें लिखोगे फॉर एग्जाम्पल कैश परचेसेस क्रेडिट परचेसेस और आपको पूरा परचेसेस वहां से पता चलेगा तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या करोगे अगर इसकी टोटल लेवन थाउजेंड अगर मैंने ले ली तो कौन से अकाउंट में एरर आएगा जल्दी से मुझे सोच के बताओ परचेस अकाउंट में क्यों क्योंकि टोटलिंग का पूरा का पूरा इंपैक्ट कहा जाता है परचेस अकाउंट में अब बेटा जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या एंगल से सोचो कि अगर आपको कोई व्यक्ति पूछेगा कि सर ये परचेस बुक का जो टोटल है ना अच्छा मैं ऐसा पूछता हूं अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ error के लिए क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे बोलेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल रुपीज फोर थाउजेंड बट पोस्टेड टू रामलाल फोर हंड्रेड इसका मतलब यहां पर कोई भी एरर नहीं हुआ है इसका मतलब यहां पर कोई भी एरर नहीं हुआ है किस अकाउंट में परचेस अकाउंट में एरर हुआ है रामलाल अकाउंट में क्योंकि इंडिविजुअल पोस्टिंग रामलाल को जाती है तो उसमें फोर गया है नो yes no? तो ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि हमारा प्रक्रिया क्या है सब्सिडी बुक का तो सब्सिडी बुक में हम इंडिविजुअल पोस्टिंग करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट के लिए और परचेस अकाउंट में हम देते हैं पीरियोडिक टोटल अगर ये बात समझ में आ गई है आपको तो मैं अभी आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट लेवल ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड वॉट आर लेट मी एक्सप्लेन यू झंपुड़िया जरा ध्यान दे नेक्स्ट चीज बहुत बढ़िया और बेहतरीन है बेटा जी सब्सिडी बुक को हम आगे लेके जाएंगे अब आपको दो शब्द समझने एक है रिकॉर्डेड और एक है पोस्टेड डेबिटेड, क्रेडिटेड और इधर और एक शब्द है रिकॉर्डेड की जगह पे एंटर्ड भी ये जो शब्द है ये शब्द स्पेसिफिकली रिजर्व है फॉर जर्नल और जर्नल के लिए जब ये शब्द रिजर्व है तो इसका मतलब ये सब्सिडरी बुक्स के लिए भी रिजर्व है ये सब्सिडरी बुक्स के लिए भी रिजर्व है और जब मैं बात करूं पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड सो ये शब्द रिजर्व है किसके लिए दे आर रिजर्व फॉर लेजर तो पहुंच दे भाई तू वेट मत करे सर फास्ट किया कर ड इज फॉर वॉट लेजर एंड दिस इज फॉर जर्नल और सब्सिडरी बुक आई होप यू पीपल है ऐसा जरूरी नहीं बट नाइनटी परसेंट में इस तरीके से यह शब्द यूज किया जाता है क्योंकि बेटा जी अगर जर्नल में एर हुआ तो एक्सामिनर कैसे बता सकता है देखो सीधी सी बात है एर तो आपका कहां पर हो सकता है जर्नल में भी हो सकता है सब्सिडी बुक में भी हो सकता है लेजर में भी हो सकता है तो अगर जर्नल में एरर हुआ तो वो बेटा जी उसके लिए शब्द क्या यूज करेंगे रिकॉर्डेड या एंटर्ड बट पोस्टेड डिबिटेड ये समझाता है कि लेजर में एरर हुआ लेजर का जो एरर होता है ये जनरली सिंगल साइड होता है सिंगल साइड होता है और रिकॉर्डेड और एंटर्ड का जो एरर होता है इट इज जनरली डबल साइडेड मतलब द होल ट्रांजेक्शन इज रॉन्ग होल इफेक्ट हैज गॉन रॉन्ग इफेक्ट हैज गॉन रॉन्ग क्योंकि पूरा का पूरा डेबिट और क्रेडिट गलत हो गया मतलब एक अलग लॉजिक से रिकॉर्ड हुआ डेबिट और क्रेडिट सर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ी सी देर रुकने का समझ में आएगा क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यू बी एबल टू अंडरस्टैंड स्लो एंड एंड लेट मी गो टेल समथिंग मोर अब जरा इधर ध्यान से सुनना ये दो शब्द आपको समझ में आए ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में काम आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछा गया नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस सपोज अब आपका परचेस बुक में इधर टोटल आना चाहिए था इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड राइट तो इधर जो भी व्यक्तियों के नाम थे एक दो अपन लिख देते रामलाल सौरभ जो भी चीजें थी हमने यहां पर लिख दी और इसकी टोटल थी इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड अब मान लो अगर ये टोटल में गड़बड़ी हुई तो इसको हम बोलते कास्टिंग एरर कास्टिंग एरर अगर ये टोटल में गड़बड़ी होगी तो बेटा जी क्या होगा आपका परचेस का पोस्टिंग अकाउंट में ऊपर नीचे हो जाएगा ठीक है इसको और मैं विस्तार से आगे बताऊंगा, अभी के लिए आप समझ कि जब टोटल अगर ऊपर रिकॉर्ड कर दी ज्यादा रिकॉर्ड कर दी तो इट विल बिकम हंड्रेड एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल या दूसरा ये हो सकता है कि दिस इज करेक्ट टोटल बट हमने करेक्ट की जगह पे रॉन्ग ले लिया हमने लिख दिया 11,900 या दूसरी और एक टोटल आ जाएगी मान लेते हैं इलेवन थाउजेंड आ था। गई ये भी रॉन्ग है बट जो पहला वाला है इसको बोलते हैं ओवर कास्टिंग इसको बोलते हैं ओवर कास्टिंग और इसको बोलते हैं अंडर कास्टिंग दिस इज कॉल्ड एज अंडर कास्टिंग ओवरकास्टिंग एंड अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग मतलब बेटा जी टोटल ज्यादा हो गई है और अंडर कास्टिंग का मतलब है, यह है कि टोटल कम हुई है अब आपको और कुछ चीजें ध्यान से समझाओ परचेस को कौन सा बैलेंस होता है अगर आपको पता है तो मुझे बताइए व्हाट डू यू थिंक सो इज द बैलेंस फॉर परचेसेस आपको क्या लगता है कि परचेस को कौन सा बैलेंस होता है परचेस को कौन सा बैलेंस होता है देर आर सम रूल्स विच यू शुड अंडरस्टैंड ठीक है रुक 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 जा रुग जा रुग जा चेंज उधर जल्दी से बी फास्ट तो इधर देखिए अब मैं आपको कुछ लिखकर बता रहा हूं वापस हम उधर चले जाएंगे अग्रीड तो so, मैं आपको बोल रहा हूं परचेस को कौन सा बैलेंस होता है जल्दी से बताइए को कौन सा बैलेंस होता है आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल तो को होता है डेबिट एग्रीड वैसे ही मैं आपको और एक थोड़ा सा और इधर बता दू अट को कौन सा बैलेंस है लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस है कैपिटल को कौन सा बैलेंस है इनकम को कौन सा बैलेंस है और एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस है इनकम एक्सपेंस असेट लाइबिलिटी किसको क्या क्या बैलेंस है आप मुझे बताइए सो so, आपका ये बोलना है एसेट को होगा डेबिट बैलेंस लाइबिलिटी को होगा क्रेडिट बैलेंस कैपिटल को होगा क्रेडिट बैलेंस इनकम को होगा क्रेडिट बैलेंस और एक्सपेंस को होगा डेबिट बैलेंस तुम मुझे पूछोगे ऐसा क्यों दीज आर द रूल्स सो आई सेड यू असेट को होगा डेबिट बैलेंस लाइबिलिटी होगा क्रेडिट बैलेंस कैपिटल को होगा क्रेडिट बैलेंस इनकम को होगा क्रेडिट बैलेंस एक्सपेंस को होगा डेबिट बैलेंस अब एक बार चर्चा कर लेते फास्ट में कि मतलब क्या जैसे ये लैपटॉप प्रोजेक्टर राइट ये कैमरा पीसी कार ऑल दीज आर वॉट असेट जो चीज बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है या फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज होती है तो उन सभी चीजों को हम कहते हैं असेट राइट असेट को होता है डेबिट बैलेंस अब डेबिट बैलेंस होता है इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं जैसे गुड होता है वो मीठा होता है वो उसका बैलेंस है शक्कर है वो मीठी होती है उसका बैलेंस है सिमिलरली बेटा जी को डेबिट बैलेंस होता है अकाउंटिंग में दो ही चीजें होती है एक डेबिट और एक क्रेडिट तो असेट को होगा डेबिट बैलेंस लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होगा तो लाइबिलिटी को होगा क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी ये एक आ, उधारी है राइट सो लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है इससे कोई अच्छा बुरा नहीं समझ में आता इज गॉट क्रेडिट बैलेंस कैपिटल जो ओनर का लगाया हुआ पैसा है उसको कौन सा बैलेंस होगा राजा बेटा जी इट विल हैव क्रेडिट बैलेंस सो ओनर्स कैपिटल विल हैव क्रेडिट बैलेंस इनकम विल हैव क्रेडिट बैलेंस एंड एक्सपेंस विल हैव डेबिट बैलेंस इनकम वो चीज है जैसे मुझे आपसे मिली फीस इज एन इनकम राइट right? जैसे बैंक से मिला इंटरेस्ट ये इनकम है रेंट मिला इनकम है सो एनी थिंग यू अर्न रेवेन्यू सोर्स इट इज कॉल्ड एज एन इनकम एंड माई डियर फ्रेंड एक्सपेंस राजा बेटा जी जो बिजनेस के लिए आप खर्चा करते हो उसको हम क्या कहते हैं एक्सपेंस और इनको होता है डेबिट बैलेंस मीनिंग में जाने की अभी हम नहीं जाएंगे कि टेक्निकल मिलनेट इस रिसोर्स कंट्रोल बॉइन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड इन सब चीजों में अभी हम नहीं जाएंगे सो so, कल मिलाकर अभी बात है कि एसेट को डेबिट बैलेंस होता है अब आप मुझे पूछो के असेट के एग्जाम्पल दो तो मैंने एक्जाम्प्स दिए है के की एग्जाम्पल दी कैपिटल के दिए इनकम के दिए एक्सपेंस के दिए इनके बदौलत मैं भी आपको बता देता हूं इधर परचेज को होगा डेबिट बैलेंस सैलरी को ओ ओ ओ एक और बात बता देता हूं सैलरी पेड नहीं काम करते हैं ना थोड़ा सा इजी रखते हैं लेट्स नॉट हरी है तो मैं भी आपको एक चीज बता ही देता हूं इधर विदाउट अगर असेट आपके बिजनेस में बढ़ रही है तो उसको डेबिट करेंगे कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे सीधा सिंपल सा बात है असेट को डेबिट बैलेंस है अगर वो बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे कम होगी तो क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे सिमिलरली लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट कम हुई तो डेबिट कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट कैपिटल कम हुआ तो डेबिट और इनकम बढ़ गई तो क्रेडिट इनकम कम हो गया तो डेबिट और मेरे राजा बेटा एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट और कम हो गया तो क्रेडिट बोलने का तात्पर्य क्या कि अगर यह चीज बढ़ेगी असेट बढ़ेगी तो उसको डेबिट करना है कम होगी तो क्या करना है क्रेडिट आंखें बंद कर, कर अपने अपनी जगह पर बोलो असेट को कौन सा बैलेंस होगा लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होगा कैपिटल को कौन सा बैलेंस होगा इनकम को कौन सा बैलेंस होगा एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होगा अपनी अपनी जगह पे आपको बोलना है और अगर असेट बढ़ी तो क्या करेंगे डेबिट कम हुई तो क्या करेंगे क्रेडिट लाइबिलिटी बढ़ेंगे तो क्या करेंगे क्रेडिट कम हुई तो क्या करेंगे डेबिट इनकम बढ़ी तो क्या करेंगे क्रेडिट कम हुई तो क्या करेंगे डेबिट कैपिटल बढ़ा तो क्या करेंगे क्रेडिट कम हुआ तो क्या करेंगे डेबिट ये आपको पता होना चाहिए राइट दिस इज वॉट यू हैव टू हैव इन योर माइंड नाउ क्लियरली क्रिस्टल क्लियर वैसे ही बेटा जी परचेसेस जब मैं बोलता हूं गुड्स का तो उसको हम बोलते हैं असेट

कैश को कौन सा बैलेंस है कैश राइट फिर उसके बाद में सैलरी पेड सैलरी पेड कौन सा बैलेंस आएगा रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेंट को कौन सा बैलेंस आएगा इंटरेस्ट पेड कौन सा बैलेंस आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देन आई विल राइट डाउन प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस राइट right. फिर मैं यहां पर लिखूंगा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया फिर मैं लिखूंगा अक्रूड इनकम अक्रूड इनकम फिर यहां पर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस फिर मैं आपको लिखूंगा फिक्स्ड असेट ट को कौन सा बैलेंस होगा कैपिटल को कौन सा बैलेंस होगा ड्रॉइंग्स को कौन सा बैलेंस होगा एग्रीड को कौन सा बैलेंस होगा बस इतनी सी चीजें बता दो और धीरे धीरे फिर मैं आगे बढ़ते रहूंगा सो so, बच्चे मुझे बता रहे हैं सैलरी रिसीव क्रेडिट सैलरी पेड लिखा रहे बाबू पर मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट साक्षी सिंह गलत जवाब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अबिलिटी इज अबिलिटी सेल्स को भी हम क्या बोलेंगे बेटा जी सेल्स को भी हम क्या बोलेंगे इट इज आउटफ्लो ऑफ एन असेट। इट इज एन आउटफ्लो ऑफ एन असेट सो असेट कम हो रही है विल है क्रेडिट बैलेंस आउटफ्लो ऑफ असेट कौन सा स्टॉक कम हो रहा है आपका सेल्स को क्रेडिट बैलेंस सेल्स रिटर्न को डेबिट बैलेंस परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस कैश को डेबिट बैलेंस इट इज एन असेट सैलरी पेड एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस rent received income a credit balance interest paid debit balance outstanding expense is a liability it will have a credit balancer expense co debit balance outstanding expense co credit balance. prepaid expense debit balance accrued income asset debit balance both of these are asset prepaid expense and accrued interest or income is a debit balance income received in advance is a liability credit balance

एग्रीड इन सभी लोगों के बैलेंसेस पता चल गए अब मान लो परचेसेस बढ़ा तो आप क्या करोगे उसको डेबिट करोगे क्रेडिट किसको करना है वो आगे देखेंगे सर सेल्स को क्रेडिट बैलेंस होता है अगर सेल्स बढ़ा तो उसको करेंगे क्रेडिट सेल्स कम हो रहा है रिवर्स करना है तो उसको करना पड़ेगा डेबिट इस तरीके से अभी आपको सारे अकाउंट्स के बारे में मुझे आपको ध्यान में दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो व्यक्ति होता है उसको अकाउंट देखते ही पता चल जाता है कि उसका क्या बैलेंसेस होगा और जैसे ही बैलेंस पता चलता है उसके हिसाब से वो एंट्री करते चले जाता है तो मैं क्या बोल रहा हूं रिटर्न को डेबिट रिटर्न को क्रेडिट कैश को डेबिट सैलरी पेड को डेबिट रेंट रिसीव को क्रेडिट इंटरेस्ट पेड को डेबिट इस तरीके से आपको बैलेंसेस पता होना चाहिए हाँ ये तो अभी हैवी कहां से होगा बेटा अभी तो शुरू हुआ है बट क्या है जिन बच्चों को कुछ आइडिया ही नहीं किया बच्चा क्या है कि ये समझ भी नहीं आता अब ये लवली सिंह पूछ रहा है सर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो देना बाकी है सो इट लाइबिलिटी इट अ क्रेडिट बैलेंस प्रीपेड मतलब जो हमने एक्स्ट्रा भरा है विच so ये हैसेट है इट विल accrued income will have a debit balance because it is an income which is receivable income receivable it will have a debit balance agreed income received in advance हमें पैसा एक्स्ट्रा मिल गया है so सो ये मेरी लायबिलिटी जैसे आपने मुझे पैसा एक्स्ट्रा दिया अगर मान लो आपने फीस भर दी है सो वो मेरे लिए क्या है लायबिलिटी क्योंकि मुझे आपको अभी तक सेवाएं देना बाकी है सो इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस यस और नो यस समझ गए क्या रसगुल्लो सो so ये हुए आपके बैलेंसेस ऐसे कुछ एक बताया अब ये जहां पर भी है आपका एक दो पेज ऐसा खाली छोड़ देना इसमें हम अलग अलग अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम आते हैं हमारी पुरानी चीज के पास जहां से हमने शुरुआत की थी और वो इधर है तो बेटा जी मैंने ये बताया था कि इलेवन मेरा टोटल सही था बट मैंने उसकी टोटल को कितना ले लिया इलेवन या इलेवन रॉन्ग टोटल या रॉन्ग टोटल थाउजेंड नाइन हंड्रेड ओवरकास्टिंग मतलब क्या हुआ परचेस में अमाउंट ज्यादा जा चुके परचेस में अमाउंट ज्यादा जा चुकी है अब मुझे बताओ परचेस को कौन सा बैलेंस है तो को है डेबिट बैलेंस अब ज्यादा जा चुकी है तो इसको रेक्टिफाई करेंगे तो क्या करेंगे बाकी का मालूम नहीं सर पर यह बात है कि आपको टू परचेसेस करना पड़ेगा आपको परचेसेस को करना पड़ेगा कम प्लीज 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 फील इट फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट आप प्लीज समझो ना टू परचेसेस क्यों कर रहा हूं क्योंकि परचेस 11,400 होना चाहिए था 11,900 हो गया परचेस को डेबिट बैलेंस है मतलब टोटल 11,900 लिया मतलब ये वाली टोटल 11,400 परचेस अकाउंट में कितनी चली गईन थाउजेंड नाइन हो 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 ये 11,900 गया ये ज्यादा बढ़ गया इसको कम करना पड़ेगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना सो so, मैंने लिखा टू परचेसेस डेबिट क्या अभी के लिए आप सुन लो सस्पेंस अकाउंट क्यों सस्पेंस अकाउंट आएगा ये मैं आपको समझा दूंगा वेन आई एम टीचिंग यू ट्रायल बैलेंस तो सस्पेंस टू परचे अकाउंट हमारी टोटल आएगी 400 होना चाहिए था हमने 900 कर दिया 500 फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेडिफिकेशन ऑफर एंट्री क्या है सस्पेंस टू परचे अकाउंट ओवर कास्टिंग अगर हुआ तो हमको जिसका जो बैलेंस है उसको रिवर्स करना पड़ेगा कौन सी बुक ओवर कास्टिंग हुई परचेस बुक तो आपको ध्यान में होना आपकी परचेस को होता है डेबिट बैलेंस उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट सो so, हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी सस्पेंस टू परचेसेस अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं 11400 फोर हंड्रेड बट टोटल चली गई 11000 थाउजेंड so सो यह ओवर कास्टिंग है कि अंडर कास्टिंग अंडर कास्टिंग मतलब जो बैलेंस है वही बैलेंस दे दो परचेसेस को कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी परचेसेस टू सस्पेंस अकाउंट काउंट्रीड कितना आएगा बेटा जी इट विल बी फोर हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड पहले मुझे बताओ ये चीज समझ में आई क्या नहीं आई प्लीज लेट मी नो हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट यस और नो पूर्ति से बताओ ना ओ मेरे रसगुल्ले बच्चे तू बता कि क्या ये चीज तुझे क्लियर हो गई क्या और मैं भी आपके आंसर्स का इंतजार करूंगा देखते हैं कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है तो परचेस बुक ओवरकास्ट तो ओवरकास्ट मतलब परचेस को होता है डेबिट बैलेंस ये समझेंगे डेबिट बैलेंस समझ में आया फिर मैं सोचूंगा अच्छा इसको डेबिट बैलेंस ज्यादा हो गया तो परचेस को करेंगे क्रेडिट और डेबिट किसको मारेंगे सस्पेंस को तो so, हमारी एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट और अगर अंडर हो गया तो हम एंट्री क्या कर देंगे परचेसेस सॉरी अंडरकास्टिंग हो गया मतलब परचेसेस को होता है डेबिट बैलेंस तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी परचेसेस टू सस्पेंस अकाउंट एग्रीड और राइट सो बॉयज एंड गर्ल्स अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूं लेट मी सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट लेट मी सी ओके सो लेट मी आस्क यू सेल्स बुक अंडर कास्ट सेल्स बुक अंडरकास्ट रुपीस वन थाउजेंड सेल्स बुक ओवरकास्ट रुपीज टू थाउजेंड फिर सेल्स रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट फोर थाउजेंड सेल्स रिटर्न बुक ओवर कास्ट टू थाउजेंड एक काम करते ट्वेल्व थाउजेंड कर देते तो मुझे अभी सोच के बताओ कि आपके एंट्रीज कैसे होगी सेल्स बुक बोला है अंडर है तो सेल्स को होगा कौन सा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस सेल्स बुक होगा कौन सा क्रेडिट बैलेंस सेल्स रिटर्न हमने लिखा था सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस और सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस सर यू हैव बीन अमेजिंग सो अब मुझे बताओ कि अंडर कास्ट हुआ तो हम क्या करते है? वही बैलेंस लगा देते और अगर ओवर कास्ट हुआ तो उस बैलेंस को रिवर्स कर देते तो मुझे बताओ ये ट्रांजेक्शन नंबर हम बताएंगे थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स मुझे फोर्थ थर्ड का आंसर बताओ सो wow, so आपने बताया सस्पेंस टू सेल्स जबरी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब सस्पेंस टू सेल्स कितना आएगा बेटा जी वन थाउजेंड वन थाउजेंड नेक्स्ट सेल्स बुक इज ओवर कास्ट एंट्री क्या आएगी सेल्स टू सस्पेंस कितना आएगा टू थाउजेंड टू थाउजेंड और नेक्स्ट सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट तो इसकी एंट्री क्या आएगी सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस कितना आएगा फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड और मेरे खरबूजे सेल्स रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट तो हमारी एंट्री क्या सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न एंड माई डियर फ्रेंड एंट्री अमाउंट वुड बी ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस तो हम कर क्या रहे अगर हमें बैलेंसेस पता है सो so बैलेंस को पता करने के बाद में हम अंडर कास्टिंग और ओवरकास्टिंग के एंट्री कर सकते हैं देखो सब्सिडी बुक पर किसी ने मैंने अपेक्षा पूछी शुरुआत में कि आपको क्या अपेक्षा है तो किसी ने यह नहीं बोला कि सर हमको सब्सिडी बुक सिखाओ सब्सिडी बुक का इंप्लीकेशन देखिए आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एर पर ज्यादा आता है और जिस पर हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है अंडर कास्ट और ओवरकास्ट का एक क्वेरी आता ही आता है तो उसके इसमें तो उस बच्चे को एक क्लैरिटी से पता होना चाहिए क्योंकि टोटलिंग में मिस्टेक हो रही है तो इसके वजह से इफेक्ट सिर्फ एक ही अकाउंट में जाएगा सेल्स सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न बट एक चीज को और एक ध्यान रखना चाहिए आपको कि सस्पेंस अकाउंट क्यों आएगा ये आपको पता चलेगा वंस आई गेट इनटू टू दी ट्रायल बैलेंस तो बेटा जी आज के लिए आपको समझ में आया कि अगर मुझे बैलेंस पता है और मुझे ये पता है कि अंडर कास्ट है कि ओवर कास्ट है तो उसके बेसिस पर मैं एंट्री कर दूंगा अंडर कास्ट है तो मुझे वो सेम बैलेंस लगा देना है और ओवर कास्ट है तो मुझे वो बैलेंस रिवर्स कर देना है अब मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन डिक्टेट करा के दे रहा हूं मुझे उसका आंसर बताना दिया मैं आज आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मुझे उसका आंसर बताना आपने तो आप वो क्वेश्चन लिख कर ले लीजिए पहली चीज नेक्स्ट लाइन पर लिखकर ले लीजिए परचेस रिटर्न इज अंडर कास्ट परचेस रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट परचेस रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट सस्पेंस अकाउंट लवली सिंह बता दूंगा जब हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझ में आ गया वो काफी है सेल्स <coughs> का क्या बैलेंस होता है उसको कैसे रिवर्स करना है सेल्स परचेस वगैरह ठीक है परचेस रिटर्न बुक ओवर कास्ट बाय रुपीज टू थाउजेंड फिर नेक्स्ट लिखिए परचेस रिटर्न बुक अंडर कास्ट परचेस रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय रुपीज थ्री हंड्रेड बाय रुपीज थ्री हंड्रेड थ्री जीरो जीरो थ्री हंड्रेड ओके ये सिक्स के बाद में सेवेंथ और एट ट्रांजेक्शन मैंने डिक्टेट की देखते अभी आपको आता है कि नहीं डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड कॉलम डिस्काउंट अलाउड कॉलम अंडर कास्ट बाय रुपीज वन थाउजेंड टू हंड्रेड डिस्काउंट अलाउड कॉलम अंडर कास्ट बाय रुपीज वन थाउजेंड टू हंड्रेड मुझे एक बात बताओ डिस्काउंट अलाउड को कौन सा बैलेंस होता है वो इतना पता चल गया कि बात खत्म डिस्काउंट अलाउड क्या होगा पहले इतना सोच लो डिस्काउंट अलाउड क्या होगा डिस्काउंट अलाउड इज अंडर कास्ट बाय रुपीज टू हंड्रेड या ट्वेल्व हंड्रेड तो एंट्री क्या आएगी यस वेरी गुड निशिका डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस एब्सोल्युटली राइट सो ट्वेल्व हंड्रेड बैलेंस है डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस लिखिए नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखिए डिस्काउंट अलाउड इज अंडर कास्ट Discount allowed is undercast by rupees 150. Discount allowed is undercast by rupees 150. Discount allowed is undercast by rupees 150. Next. Discount received is. <coughs> discount received column is. Next. Discount received column is. overcast discount allowed sorry received column is discount received column is overcast by rupees 40 discount received column is overcast by rupees 40 now next write down the next discount received column is discount received column is अंडर कास्ट डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इज अंडर कास्ट बाय रुपीज टेन डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इज अंडर कास्ट बाय रुपीज टेन राजा बेटा जी मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोगों को मजा आया राइट मेरा रसगुल्ला मेरा मिर्च मसाला मेरा खरबूजा ध्यान से सुनेगा कल मैं आपको सब्सिडरी बुक बता रहा था और सब्सिडरी बुक के अंदर मैंने आपको बताया कि बेटा जी आप सब्सिडरी बुक में क्या करते हो आप डेटा को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हो और डेटा को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हो फॉर वर्ट फॉर सेविंग द टाइम फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिय वगैरह तो सिमिलर ट्रांजेक्शन को एक बुक में क्लासिफाई करने को हम क्या बोलते हैं बेटा जी सब्सिडरी बुक तो सब्सिडरी बुक के बारे में मैंने आपको बताया भी था सर सेम नोट्स बनाना है फुल कोर्स और ट्रैक के मिशी सिंगला बेटा जी नोट्स जैसे ही हम uh, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में घुसेंगे फिर उसके बाद में हम नोट्स के बारे में भी चर्चा कर लेंगे अभी के लिए हम नोट्स के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि नोट्स आई विल बी गिविंग टू यू और राइट सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द नोट्स एट दिस मोमेंट तो अभी हम बात करें किसके बारे में सब्सिडी बुक्स तो सब्सिडी बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊँ कि कल मैंने अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कल मैंने आपको बताया था कि सब्सिडी बुक्स का इंडिविजुअल पोस्टिंग होता है इंडिविजुअल अकाउंट में बट टोटल का पोस्टिंग होता है किसके अंदर बेटा जी इट इज पोस्टेड इन दी वड आई कैन से क्या मरते हो तेरा अपन किसके अंदर पोस्टिंग करते हैं उसका? उसका पोस्टिंग किसके अंदर करते को जल्दी से मुझे बताओ टोटल का पोस्टिंग करते हैं हम so, like like अगर मुझे परचेस की एंट्री आती है तो मुझे पता है परचेसेस अकाउंट डेबिट परचेसेस अकाउंट डेबिट कल हमने बैलेंसेज भी देखा था टू पार्टी अकाउंट सब्सिडरी बुक में सिर्फ कौन सा वाला परचेसेस जाता है Credit will the trade discount be recorded? Trade discount is not recorded. So entry is purchases account debit to party account. So isko kya main bol sakta hu With total amount, with total amount क्या समझ में आ रहा है क्या आपको? Periodic total लेकर हम purchases account में डालते हैं and to party account ये हम कहाँ डालते हैं? In the what? Individual party account. In the individual party account. द इंडिविजुअल पार्टी अकाउंट नाव टू मेक द एंट्री फॉर सेल्स एंट्री फॉर सेल्स की एंट्री होगी बेटा जी पार्टी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जब मैं पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बोलता हूं तो यहां पर पार्टी कौन से अमाउंट से आएगा इन In इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्टी अकाउंट ओके और ये सेल्स अकाउंट में जाएगा विथ टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट किसकी बेटा जी सब्सिडी बुक की टोटल अमाउंट किसकी बेटा जी सब्सिडी बुक की डू यू ऑल एप्रिशिएट और नॉट एग्रीड सो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि परचेसेस और सेल्स में टोटल अमाउंट जाती है बट पार्टी अकाउंट में इंडिविजुअल अमाउंट जाती है अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे थर्ड और फोर्थ एंट्री बता दीजिए मुझे एंट्री बताइए सेल्स रिटर्न की और मुझे एंट्री बताइए परचेस रिटर्न की मैं वेट कर रहा हूं मुझे एंट्री बताइए सेल्स रिटर्न की और मुझे एंट्री बताइए परचेस रिटर्न की मैं आप सभी लोगों का वेट कर रहा हूँ बी वेरी फास्ट एंड बी वेरी क्विक सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न की एंट्री के लिए मैं वेट कर रहा हूं एंड दैट इज नॉट कमिंग अप एज ऑफ यू जल्दी से बी वेरी फास्ट

तो एंट्री क्या रही सेल्स रिटर्न टू पार्टी अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट और फोर्थ वाली एंट्री किसकी करनी है बेटा जी आपको परचेस रिटर्न की एंट्री करनी है तो एंट्री आएगी पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैन आई नॉट से इट विल बी परचेस रिटर्न अकाउंट ओके अगेन दिस विल बी विद टोटल टोटल ओके okay. और बाकी का इंडिविजुअल अमाउंट के साथ अब मैं आप सभी लोगों से पूछना यह चाहता हूं कि मुझे एक बार सोच के बताइए किसके लिए डेबिट नोट यूज होता है और किसके लिए क्रेडिट नोट यूज होता है आपने बचपन में क्या होगा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है जैसे इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है इसका परचेसेस के लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसका नाम है इनवर्ड इनवाइस जो इन्वॉइस आपको मिलता है जो आप जब आप परचेस करते हो तो जो इन्वॉइस आपको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं इनवर्ड इनवाइस के लिए आपको मिलता है इनवर्ड इन पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इसके लिए आप क्या बोलोगे इसके लिए क्या होता है आउटवर्ड इन वॉइस आउटवर्ड इन वॉइस मतलब जो हम सेल कर रहे तब हम क्या देते हम क्या इश्यू करते हैं इन वॉइस इश्यू करते तो हम इन वॉइस इश्यू करेंगे तो बेटा जाहिर सी बात है उसके लिए क्या होगा आउटवर्ड इन आउटवर्ड इन बुक एग्रीड अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ सेल्स रिटर्न और पार्टी सेल्स रिटर्न टू पार्टी एंड पार्टी टू परचेस रिटर्न इन बुक्स के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट काम आता है तो सेल्स रिटर्न के लिए तुम बोल रहे हो डेबिट नोट और यह आंसर गलत है सेल्स रिटर्न के लिए डेबिट नोट यह आंसर गलत है साइली तो बिल्कुल सही ऋतु जब हम यहां पर सेल्स रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं पूरी क्लास एक बार ध्यान देखो पार्टी को तुम क्या कर रहे हो पार्टी को क्या कर रहे हो क्रेडिट कर रहे हो सो सेल्स रिटर्न में जब आप पार्टी को क्रेडिट करते हो तब इस नोट का नाम क्या है इस नोट का नाम है क्रेडिट नोट मतलब पार्टी को जो आप करते हो उसके बेसिस पर उसके नोट का नाम डिसाइड होता है आप पार्टी को क्या कर रहे हो यू आर क्रेडिटिंग द पार्टी वेन यू आर क्रेडिटिंग द पार्टी द नोट नेम इज क्रेडिट नोट एग्रीड सिमिलरली पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट जब आप पार्टी को क्या कर रहे हो इधर सो तो आप पार्टी को इधर डेबिट कर रहे हो तो इस नोट का नाम क्या आएगा द नोट इज कॉल्ड एज डेबिट नोट आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार नाउ कि मैं आपको बता रहा हूं कि पार्टी को अगर क्रेडिट हो रहा है तो उस नोट का नाम क्या क्रेडिट नोट और पार्टी को अगर यहां पर डेबिट हो रहा है तो नोट का नाम क्या डेबिट नोट अब इधर मैंने जगह क्यों छोड़ी मैं आपको बताता हूं एक आदमी है राइट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इट इज यू और दूसरा एक आदमी है लेट्स टेक एन एग्जांपल ही इज समबडी एल्स सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ये साक्षी है सो so साक्षी ने राइट right? साक्षी ने माल रिटर्न किया राइट right? किसको रिटर्न किया लेट्स टेक एन एग्जांपल अनिश को माल रिटर्न किया अनिश को माल रिटर्न किया तो साक्षी के लिए इस रिटर्न को क्या बोलेंगे मैं वेट करूंगा आपके आंसर के लिए अरे अनीश भाई के बाल बन गए अच्छा अच्छा ये ऐसे वाले बाल बना देता <laughs> सॉरी तो अनिश भाई को माल रिटर्न कर दिया तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या बोलोगे आप साक्षी के लिए इसको क्या बोलेंगे और अनिश के लिए इसको क्या बोलेंगे साक्षी के लिए क्या साक्षी ने माल रिटर्न किया तो क्या बोलेंगे हम इसको साक्षी के लिए क्या है ये मैं वेट कर रहा हूं जल्दी से साक्षी ने माल रिटर्न किया तो साक्षी के लिए क्या है परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है वेरी गुड सो अनुज कुमार सिंह बता रहे हैं परचेस रिटर्न मितेश कुमार बता रहा है मितेश जैन बता रहा है परचेस रिटर्न यस यू आर एब्सोल्युटली राइट सो देन कैन आई नॉट कॉल इट एज परचेस रिटर्न है बाबू ये ओके रसगुल्ला परचेस रिटर्न है और अनिश्च के लिए क्या है इसने माल बेचा होगा तो इसको रिटर्न मिला होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे सेल्स रिटर्न अनिश्च के लिए क्या है सेल्स रिटर्न अब पूरी क्लास जरा ध्यान से देखो सेल्स रिटर्न साक्षी जब एक अपना माल भेजेगी किसको अनिश को तो साक्षी किसकी एंट्री करेगी परचेस रिटर्न की एंट्री करेगी तो साक्षी अपने बुक्स में एंट्री करेगी अनिश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न एग्रीड सो साक्षी भेजते वक्त यहां पर भेजेगी जिस नोट का नाम है डेबिट नोट इस नोट का नाम है डेबिट नोट साक्षी जब अपना माल भेजेगी अनिश को तब वो भेजते वक्त क्या भेजेगी अनिश को माल भेजेगी और परचेस रिटर्न तो क्या भेजेगी डेबिट नोट साक्षी के लिए क्या? साक्षी टू परचेस रिटर्न तो साक्षी ने डेबिट नोट भेजा अब ये एक दस्तावेज भेजना जरूरी है माल के साथ ये दस्तावेज भेजा तो साक्षी ने भेजा डेबिट नोट और अनिश भाई साहब जब माल स्वीकार कर लेंगे सो एक नोट पर साइन कर कर देंगे वापस और उस नोट का नाम क्या क्योंकि अनिश के लिए सेल्स रिटर्न है तो अनिश कौन सी नोट देंगे क्रेडिट नोट अनिश कौन सी नोट देने वाले क्रेडिट नोट देंगे आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग साक्षी जब भेजेगी राइट right? अनिश को तो क्या भेजेगी सो शी विल सेंड डेबिट नोट और इन टर्न शी विल रिसीव क्रेडिट नोट सो दिस इज वॉट इज शी हैज सेंट और इशूड और इधर मैं क्या बोलूंगा दिस इज वॉट इज रिसीव्ड दोनों में फर्क है तो तो एक एक है received और एक है रिसीव्ड और सेंट आई होप यू पीपल हैव बीन सो फार यहां तक समझ में आया क्या तो साक्षी डेबिट नोट भेजिए अब एग्जाम में क्या होता है रसगुल्ला बोलता है पेपर बहुत सोप्पा था सर पेपर खूब सोप्पा होता सर पेपर बहुत इजी था और जब मार्क्स आते तब तब पता चलता है कि नलायक ने ना कांड करके आया गधेड़ा एकदम गाइछा तो ध्यान रहे बेटा कि आपको जब मैं बोलूं कि डेबिट नोट इश्यूड जब मैं आपको बोलूं डेबिट नोट इश्यूड एग्रीड इधर लाइट कम पड़ रही थी संतोष हाँ तो क्या इश्यू है देखो ना जब मैं कहूं डेबिट नोट इश्यूड मैं कह रहा हूं कि हमने इशू की है इसकी एंट्री बिल्कुल सही है इसमें डेबिट नोट इशूड मतलब पार्टी को डेबिट हुआ है तो तुम इजीली पार्टी को डेबिट कर देना पार्टी टू कैन आई नॉट कॉल इट एज परचेस रिटर्न क्योंकि आपको यह तो पता चल गया कि पार्टी को डेबिट होना है मतलब परचेस रिटर्न को क्रेडिट ही होना है डेबिट नोट इशूड मतलब पार्टी को डेबिट करना है क्लियर हो गया बट यदि मैं कहूं क्रेडिट नोट रिसीव्ड डिट नोट रिसीव क्रेडिट नोट की एंट्री मत करना एक्चुअली आपको क्रेडिट नोट रिसीव हुई है बट आप क्रेडिट नोट की एंट्री नहीं कर सकते आपको डेबिट नोट की करनी पड़ेगी मतलब यह दोनों लाइन वन एन द सेम है अगर मैं कहूं डेबिट नोट इश्यूड तो मैं देने वाला हूं मेरी एंट्री होगी पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि डेबिट नोट मतलब इससे मुझे क्लियर हो गया कि पार्टी डेबिट होती है तो मैंने पार्टी को डेबिट किया टू रिटर्न, बट अभी आप सोचो कि ये सामने वाला व्यक्ति आपको क्या इश्यू करेगा तो आपने डेबिट नोट इश्यू किया सो हम क्या करेंगे? और करेंगे, तो बेटा जी क्या आपको समझ में आ रही है बाद में क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही है दोनों का आंसर वन द सेम ही रहेगा पार्टी टू परचेस रिटर्न यस और नो क्रेडिट नोट रिसीव्ड मतलब आपने डेबिट नोट इशू की है पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं अरे माधव बेटा तुम ज्यादा तकलीफ कर रहे हो इतना ये नहीं करना तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है कि आपने सब लोगों के सामने सॉरी बोला और मैं तहे दिल से इस चीज को स्वीकार करता हूं बट आप ज्यादा इसको प्रेशर मतलब है ना चल कूल हो जा और अभी पढ़ाई पर ध्यान दे क्या समझ में आई क्या चीज क्या समझ में आई क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन एब्सोल्युटली यहां पर कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन किस शब्द का है देख मैं तेरे को बताता हूं uh, uh, क्या नाम मितेश जैन ध्यान से देखो कंफ्यूजन किस चीज का है कंफ्यूजन यह चीज का है श्यूड और रिसीव्ड तो पहले एक चीज समझ लो कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तुमको ये चीज समझाएंगे कि पार्टी को क्या करना है तो so जैसे डेबिट नोट बता रहे पार्टी को डेबिट करना है अब पार्टी को डेबिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे अमाउंट को क्रेडिट होना वो क्या होगा परचेस रिटर्न वैसे क्रेडिट नोट में एंट्री क्या होना पार्टी को क्रेडिट करना है तो एंट्री क्या होगी सेल्स रिटर्न टू पार्टी अब ये अगर आपको समझ में आ गया ना इतनी सी बात तो आप अपने दिल से पूछो कि बेटा जी डेबिट नोट इशूड मतलब ये मैं इश्यू कर रहा हूं तो इसकी एंट्री मैंने उसी के एंगल से कर दी बट बेटा जी जब मैं डेबिट नोट इश्यू करता हूं सामने वाले आदमी को मिलती है तो सामने वाला आदमी मुझे क्या देता है क्रेडिट नोट देता है उसकी बुक्स में कर कर क्रेडिट क्रेडिट नोट नोट तो उसको हम क्या बोलते रिसीव्ड रिसीव्ड जैसे ही वर्ड दिखे तुमको क्रेडिट नोट तो समझ जाना क्रेडिट नोट की एंट्री नहीं करनी उल्टी एंट्री करनी उल्टी एंट्री करनी डेबिट नोट की एंट्री करनी क्योंकि रिसीव्ड का मतलब यह एंट्री हमने हमारे बुक में नहीं करनी है किसी और कर हमें भेजी है हमारे बुक में उसकी उल्टी एंट्री आएगी डेबिट नोट हमें रिसीव्ड हुआ है आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार Yes और नो एवरी वन प्लीज me नो इज दैट पॉइंट क्लियर तो जब मैं बोलता हूं कि मुझे रिसीव्ड हुआ है तब उसका आंसर होता है उल्टा जब मैं बोलता हूं इश्यूड हुआ है तब उसका आंसर सीधा लेना है यस और नो गॉड it? एनी वन एनी क्वेरी मैं वेट कर रहा हूं अगर इसके बारे में कोई क्वेरी है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए प्लीज बी वेरी क्विक यस yes, मंगलम जी वो सब हो जाएगा पहले ये बात बताओ ये क्लियर है क्या ठीक है सो so, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या किसकी एंट्री होगी तो मुझे बताना मैं यहां पर वेट कर रहा हूं जल्दी से मुझे एंट्री बताओ क्या एंट्री होगी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू ऑल ठीक है मैं बोलता हूं डेबिट नोट इशूड डेबिट नोट इशूड सर समझा है और हमें समझना है ऐसा हो ही नहीं सकता क्या बात है वेरी गुड तो मैं अभी आपको बता रहा हूं सुनो uh, I'm, I'm, I'm check कर लेते कि आपको समझ में नहीं? मैंने बोला तो हम एंट्री क्या मुझे बताओ क्या करेंगे बताओ मुझे क्या करेंगे? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू संस्कार आपको लेक्चर रिवाइंड करके देखना पड़ेगा कर, मैं बाकी बच्चों को लेट नहीं करूंगा डेबिट नोट इश्यूड वेरी गुड चर्चित ग्रोअर आपने एंट्री की पार्टी टू परचेस रिटर्न वेरी गुड वेरी गुड यस पार्टी टू परचेस रिटर्न यश आप भी सही हो यश yes, संस्कार तू भी तो बराबर ही बता रहा है राइट right, अब तूने डेबिट नोट तूने इश्यू की तो इश्यू की तो सामने वाले आदमी को जाएगा माल सामने वाला आदमी क्या करेगा माल को एक्सेप्ट करेगा और तुझे कोई तो एक दस्तावेज साइन कर कर देगा ना हाँ माल मिल गया बोलकर तो वो कौन सी नेट देगा तो जब तुम डेबिट नोट इश्यू करते हो तो तुम्हें रिसीव क्या होती है तब तुम्हें रिसीव क्या होती है जल्दी से मुझे बताओ वेन यू इश्यू डेबिट नोट वॉट डू यू रिसीव वेरी गुड वेरी गुड लाइन मेहता बहुत जल्द बढ़िया हा जल्द वेन यू इश्यू डेबिट नोट डू यू रिसीव क्रेडिट नोट एब्सोल्यूटली राइट तो आप अगर एग्जामिनर बोलेगा रिसीव्ड क्रेडिट नोट तो आप एंट्री किसकी करोगे क्रेडिट नोट की करोगे कि डेबिट नोट की अगर एग्जामिनर बोलता है रिसीव्ड क्रेडिट नोट रिसीव्ड शब्द यूज किया तो आप एंट्री किसकी करोगे क्रेडिट नोट या डेबिट नोट मैं वापस वेट कर रहा हूं अगर एग्जामिनर बोलता है रिसीव्ड क्रेडिट नोट तो आप एंट्री किसकी करोगे क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर आई एम वेटिंग 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 वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू चर्चित ग्रोवर ने पहले आंसर दिया नहीं प्रीतेश ने पहले आंसर दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो समझ में आया तो जैसे वर्ड रिसीव्ड आया उल्टा कर देना उसका आंसर उल्टा कर देना और आपका आंसर बराबर परफेक्ट हो जाएगा तो so, सिर्फ एग्जामिनर जो बोल रहा है उस पर फोकस मत करो आपको यह शब्द भी देखना जरूरी है कि हम इश्यू कर रहे हैं हम देने वाले हैं कि हमको मिल रहा है मिल रहा है तो उसका आंसर उल्टा करना पड़ेगा कि किसी और ने हमको करवाकर भेजा है वो चीज एग्रीड लवली पीपल नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी इज दैट बेटा जी इस सब्सिडरी बुक में एक कॉन्सेप्ट है ग्रॉस एक सब्सिडरी बुक में कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ग्रॉस तो जब आप मॉड्यूल के प्रॉब्लम देखना शुरू करते हो तो उधर एक शब्द आपको मिलता है ग्रॉस ग्रॉस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्वेल्व ट्वेल्व पैकेट्स ग्रॉस का मतलब क्या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्वेल्व पैकेट तो कैसे होगा एक कोई व्यक्ति बोलेगा डजन एक डजन बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है एक डजन बोल रहा है एक dozen. एक डजन डजन मतलब कितना यूनिट्स यूनिट्स तो 12 units का बना एक पैकेज ट्वेल्व यूनिट्स का बना एक पैकेज ऐसा एक पैकेज ट्वेल्व यूनिट्स का कितना बना एक पैकेज ऐसे एक पैक मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व पैक ट्वेल्व पैक राइट विल बी इक्वल टू वॉट वन ग्रॉस आई होप आप सभी लोगों को मीनिंग समझ में ग्रॉस का मतलब क्या डजन का मतलब होता है बारह यूनिट मतलब एक पैक बट बेटा जी बारह पैक का मतलब होता है वन ग्रॉस बारह पैक का मतलब होता है वन ग्रॉस मतलब कुल मिलाकर इस वन ग्रॉस में कितने यूनिट हो जाएंगे ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई ट इट वुड बी वन फोर्टी फोर यूनिट क्या आपको ये समझ में आया क्या तो आपको ये एक भी चीज भी फोकस रखनी पड़ेगी कि ग्रॉस क्या बोलते हैं 144 फोर्टी फोर यूनिट तो शेल वी अंडरस्टैंड दिस वन मोर टाइम वन डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट बारह यूनिट बारह यूनिट का बन गया एक पैक ठीक है ऐसे बारह पैकेजेस बने बारह पैक तो क्या बनेगा एक ग्रॉस तो बेटा जी अगर हम पूछेंगे एक ग्रॉस में कितनी यूनिट्स होंगे कितनी क्वांटिटी आएगी सो राजा बेटा जी हम बोलेंगे 12 इंटू ट्वेल्व इट वुड बिकम 144 यूनिट्स तो राजा बेटा जी क्या ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपको मुझे जल्दी से बताओ और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे जल्दी से एंट्री बताओ ए एरर बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको ऋतुजा लिखता हूँ बेटा जी मुझे पता नहीं था कल से अपन क्या करेंगे ये लेक्चर को शिफ्ट कर देंगे अपने रेगुलर मोड पे तो फिर उधर कोई दिक्कत नहीं आएगी मैं उसको एक्सपांड और छोटा बड़ा कर सकता हूं तो मूव ऑन अब बेटा जी मैं तुमको एक बात बता दूं कि सब्सिडरी बुक्स में इससे ज़्यादा और कुछ विषय नहीं है सब्सिडरी बुक आपको पता चल गया और सब्सिडी बुक जनरली एग्जाम में नहीं आता और आया तो भी बहुत आसान है और उसके लिए हमने रिवीजन बैच में समय इन्वेस्ट नहीं करना है तो सब्सिडी बुक में अपेक्षा करता हूं कि आपको आ जाएगा और यदि आपको आ जाएगा तो मुझे थम्सअप करके बताइए और अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे क्वेरी लिखकर बताइए तो मैं क्वेरी भी सॉल्व कर दूंगा और अगर आपका थम्सअप आता है तो फिर मैं आपको अगली चीज़ के पास ले जाऊंगा कि क्या इशू था और वो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे राइट right, तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको क्लियर है क्या और नहीं क्लियर है तो फिर मुझे बताइए वो क्वेरी क्या है राइट right. प्रवीण प्रजापति नहीं बेटा जी एग्जाम में सारे पॉइंट्स को ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं आज आप मॉड्यूल खोलकर देखिए सब्सिडी बुक्स के तो उसके अंदर ये शब्द यूज किया हुआ है ग्रॉस तो इसके लिए मैंने आपको उस चीज को क्लियर किया ठीक है तो ये आपको एग्जाम में हर एक चीज को कन्वर्ट करने की मैंने कोई चर्चा की नहीं रिविजन बैच का डे वन का ये स्टेटस था कि आपका एक बार क्लास हो चुका है तब तो उस केस में आपको वो चीज ईजी लगेगी इसलिए मैं सारी चीजों को रिवाइज कर रहा हूं अभी आज आपको क्या करना है सब्सिडरी सब्सिडरी बुक्स को रिवाइज करना है पूरे अच्छे से और उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ट्रायल बेसिस के लिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे कि नहीं आ रहे तो आज आपके जीवन में से सब्सिडरी बुक खत्म हो जाना चाहिए अगर सब्सिडरी बुक नहीं खत्म किया तो तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं अब ये बच्चा पूछ रहा है कि मुझे सर सेल्स रिटर्न का क्या सेल्स रिटर्न का भी बेटा जी बिल्कुल सेल्स के जैसे ही होगा और जिसको सेल्स का पता है उसको सेल्स रिटर्न का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा हाँ राइट सो सब्सिडी बुक आज का होमवर्क समझ में आया क्या ए है झमपुड़ाया सब्सिडी बुक पर फोकस करना और मैं इन चीज़ों को इजी चीज़ों को सिखा सिखा कर ऐसा नहीं जताना चाहता कि भाई देखो मैं कितना भारी पढ़ाता हूँ अपने को वो चीज़ फोकस करना है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय आती है और जिसके बहुत ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है